एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछता है, बुद्ध कर्म क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने ही नगर में एक दुकान के सामने से गुजर रहे होते हैं। राजा का ये अनुभव है कि वो जब भी उस दुकान के सामने से गुजरते हैं तो उनके भीतर से यह आवाज आती है कि उन्हें उस दुकान वाले को दंडित करना चाहिए। राजा नहीं जानते कि उनके भीतर से ये आवाज क्यों आती है या उनका मन क्रोध से क्यों भर जाता है, वो क्यों उस दुकानदार को दंडित करना चाहते हैं। परंतु जब भी वे उस दुकान के सामने से गुजरते हैं तो उनके मन में यह विचार उठता है। राजा अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री क्या तुम इस दुकानदार को जानते हो? मंत्री कहता है, नहीं राजन, मैं इस दुकानदार को नहीं जानता। राजा कहते हैं, मैं जब भी इसकी दुकान के आसपास भी होता हूं तो मेरा मन क्रोध से भर उठता है। मेरा मन करता है कि मैं उस व्यक्ति को दंड दूं, परंतु मेरे पास कोई कारण नहीं है। तुम तो जानते ही हो मेरा स्वभाव बड़ा शांत रहा है, परंतु ना जाने क्यों जब भी मैं इसकी दुकान के पास से भी गुजरता हूं तो मेरा मन क्रोध से भर उठता है। जबकि आज तक मैं इस दुकानदार से मिला भी नहीं हूं। मंत्री कहते हैं, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। और राजा और मंत्री अपने महल पहुंच जाते हैं। राजा कुछ समय बाद ये बात भूल जाता है, परंतु मंत्री को ये बात याद रहती है। मंत्री इस समस्या का कारण खोजने के लिए वेश बदलकर उस दुकानदार के पास जाता है और उस दुकानदार से कहता है, और भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? वह दुकानदार कहता है, मत पूछो भाई, बड़ी समस्या है। दिन भर में बहुत थोड़ा ही धन इकट्ठा हो पाता है। लोग आते हैं दुकान पर, लकड़ियां देखते हैं, तारीफ भी करते हैं लकड़ियों की, परंतु कोई खरीदता नहीं। अब तो बस केवल एक ही उपाय है कि हमारे राजा की मृत्यु हो और उसका मंत्री लकड़ी लेने हमारी ही दुकान पर आए, तब तो कुछ बात बन सकती है, वरना इसी तरह गुजारा चलता रहेगा। मंत्री कहता है, अरे भाई कुछ लकड़ियां हमें भी दो, हम भी खरीदना चाहते हैं। और कुछ लकड़ियां खरीद कर मंत्री उन्हें राजा को जाकर दे देता है और कहता है, महाराज यह लकड़ियां उस दुकानदार ने आपके लिए भिजवाई हैं, जिसकी दुकान के आगे जाकर आपको उसके प्रति क्रोध महसूस होता है। राजा उन लकड़ियों को लेते हैं और उसकी सुगंध को महसूस करते हैं और कहते हैं, अरे मैं तो बेवजह ही उस व्यक्ति को दंडित करना चाह रहा था, यह व्यक्ति तो भला व्यक्ति है। राजा कुछ सोने की मोहरे मंगवाता है और मंत्री को देता है और कहता है, जाओ ये मोहरे उस व्यक्ति को दे दो जिसने ये लकड़ियां भिजवाई हैं। और मंत्री उन सोने की मोहरों को ले जाकर उस दुकानदार को देता है। वह दुकानदार भी बहुत खुश होता है। वह सोचता है, मैंने बिना वजह ही राजा के बारे में इतना गलत सोचा, हमारे राजा तो बहुत नेक इंसान है। कहानी खत्म होती है और बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कुछ समझ में आया? वह व्यक्ति कहता है, जी हाँ बुद्ध, मैं समझ गया हूं। कर्म केवल शरीर से ही नहीं, कर्म विचारों से भी होता है। बुद्ध कहते हैं, जब तक हम कुछ सोचेंगे ही नहीं तब तक हम अपने शरीर का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसलिए कर्म हमारे विचारों से होता है। यदि हम अपने विचारों को सुधार लें तो हमारे सभी कर्म सुधर सकते हैं। राजा उस व्यक्ति को जानता भी नहीं था, राजा उस व्यक्ति से कभी मिला भी नहीं था, परंतु फिर भी राजा उसके प्रति क्रोध से भरा हुआ था। केवल
उसके गलत विचारों की वजह से जो उस दुकानदार ने राजा के प्रति सोचे थे। यदि तुम अपने भीतर घृणा का भाव पालते हो, क्रोध का भाव पालते हो, ईर्ष्या का भाव पालते हो, तो तुम गलत कर्म कर रहे हो और इसका फल भी गलत ही होगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम अच्छे कर्म करो तो तुम अपने विचारों को सुधारो। यदि तुम अपने विचारों को सुधार पाए तो तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, और जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो उनका फल भी निश्चित रूप से अच्छा ही मिलेगा। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, आपकी कृपा से मैं कर्म को समझ पाया हूं कि कर्म क्या है। आज से मैं उचित कर्म ही करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।